हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूपन प्यासी और हम क्लास 12 की डिफरेंशिएशन चैप्टर कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर के हमने बेसिक फार्मूलास भी देख लिए हैं और बेसिक क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब थोड़ी एक एडवांस क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन। क्वेश्चन वैसे एडवांस तो नहीं है, इसमें बेसिक फार्मूलास ही यूज होने हैं, लेकिन ये थोड़ा टफ लग सकता है। क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। तो पहले हम करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन हम क्वेश्चन ज्यों का त्यों नहीं लिख रहे, इसमें हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब हर का परिमेयकरण कैसे होगा? हर का परिमेयकरण करने के लिए पहले हम ज्यों का त्यों यही लिख लेंगे, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, गुणा कर देंगे। नीचे जो है उसका हम चिन्ह बस बदल देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। नीचे क्या दिया गया है? 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स दिया गया है। तो इसका हम सिर्फ क्या करेंगे कि चिन्ह बदल देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स कर देंगे और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, रूट लगा देंगे क्योंकि रूट लगा है। अब आगे आएंगे तो डी अपॉन डी एक्स क्या है? 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी, इसमें वैसे आप लोग जानते होगे, 12th मैथ्स के हो तो जानते होगे, लेकिन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, तो उनके लिए है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, रूट ज्यों करते हैं लगा देंगे। आगे हम फिर से d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये 1 पर स्क्वायर तो रहता नहीं, तो जैसे हम स्क्वायर हटा दें, 1 पर स्क्वायर भी है तो भी वो 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, वैसे 9th 10th ट्रिग्नोमेट्री में भी है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए निकल आता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम नीचे क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स में है तो कॉस स्क्वायर एक्स, रूट लगा देंगे। अब यदि आप ध्यान से देखें तो 1 प्लस साइन एक्स पर भी होल स्क्वायर लगा है और कॉस एक्स पर भी होल स्क्वायर लगा है, तो दोनों को साथ में यदि हम स्क्वायर लगा दें और ये रूट है तो रूट स्क्वायर से कट जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग। आगे क्या होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 1 अपॉन डी एक्स, और अंदर क्या है? 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? sec x भी होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? tan x होता है, तो प्लस tan x ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग लिख देंगे, डी अपॉन डी एक्स sec x प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स डी अपॉन डी एक्स। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये बेसिक फार्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री के। डिफरेंशिएशन जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कहते हैं, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x dy अपॉन dx।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि sec x क्या है, कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, tan x प्लस sec x, ए आंसर आ गया। आंसर ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, दोनों सही है, लेकिन ए आंसर हो गया। आगे तक यदि आप भी हमसे ट्वेल्थ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको विद नोट्स फ्री प्रोवाइड कराया जाएंगे।